को जोड़ना शुरू कर दिया। हमारे जो 6-7 पेशेंट के साथ हमारे 20-20 लोग भी मीटिंग में आते थे। तो इसमें बहुत सराहनीय काम गांव के लोगों ने खुद किया। वो क्यों किया? वो इसलिए उन्होंने किया कि उनको लगा कि सॉल्ट अप्रोच, सुनना, किसी को सुनना, ध्यान से सुनना और तरीके से सुनना, आईज कॉन्टेक्ट के साथ सुनना और लोगों को बोलने का मौका देना और उन्हें मौका देने के बाद प्रोत्साहित और उनकी सराहना करना, जो कोई सोचता है उसकी बात को अहमियत देना और उसके ऊपर काम भी करना। तो सॉल्ट ने यही चमत्कार किया कि लोग सोचते तो थे कि हमें खान पान हमारा सही नहीं है, तभी हमारा जो घर है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। हम केमिकल युक्त खेती करते हैं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए और नई नई दवाइयों का, जिसमें कि फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है और बहुत सारे ऐसे केमिकल है जो हम कीटनाशक के रूप में अपनी फसलों के लिए यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जा रहा है। बहुत साल पहले बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं थी, बीपी शुगर तो हमारे गांव में था ही नहीं, लेकिन आज हमारे घर में हर बंदा, हर तीसरे में से एक बंदा इन बीमारियों से ग्रसित है, गैर संक्रामक रोगों से। तो लोगों ने खुद अपनाया अपनी लाइफ में कि हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है और अपना खान पान ठीक करना है, हम पहले अपने परिवार और गांव से शुरू करेंगे। उन्होंने क्या किया कि अपने खाने की जो दैनिक भोगी चीजें हैं, जैसे अनाज है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, हिमाचल में फ्रूट बहुत होता है, उसमें भी केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे ऑर्गेनिक तरीके से किया जाए और ताकि हमें अच्छी चीज और सही हमारे पोषक तत्व जो हमें वेजिटेबल अनाजों से मिलते हैं वो मिल जाए। तो लोगों ने 3 गांव, हमारे पास 36 गांव थे, 36 गांव में से 3 गांव ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अपने उनकी अपनी इच्छा से काम करना शुरू कर दिया। और ये अप्रोच सॉल्ट अप्रोच ने ही काम किया। सॉल्ट अप्रोच ने कैसे काम किया कि लोगों को लगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट तो हमारे पास नहीं आने वाला है, ये हमारा अपना गांव है, हमारा अपना स्वास्थ्य है, हमारा सब कुछ अपना है, तो हमें इसे करना चाहिए। और हमने ग्रीनरी भी खत्म कर दी, ग्रीनरी के लिए भी बहुत ज्यादा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो हमारी बंजर भूमि थी उसमें हमने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छे ढंग से करने के लिए उन्होंने सरकार से भी मदद ली। सरकार भी जैविक खेती करने के लिए लोगों को बढ़ावा देता और इन ग्रुप के लोगों ने सरकार के पास भी जाना शुरू कर दिया और बोला कि हमें इसके ऑर्गेनिक खेती के नुस्खे बताओ, हम इसे अब लार्ज स्केल में करेंगे।